हेलो। सो थोड़े अपने चैनल ते तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। जिवें कि मैं तुहानूं कहा सी कि मैं पटवारी दे लई सारे कुछ लै के आऊँगा, सारा सिलेबस लै के आऊँगा। सो उसे दे विच अज जो रहूगा वह पार्ट सिक्स रहूगा अपने वीडियोज़ का, ठीक है। अज जो आप पढ़ांगे एम एस वर्ड के बारे पढ़ांगे, एम एस वर्ड के विच एम एस ऑफिस के विच एम एस वर्ड के बारे पढ़ांगे, तो अगली वीडियो कि रहूगी अपनी एम एस पावर पॉइंट के उच्चे। मैं बार बार कह रहा कि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो भी शॉर्टकट्स करवाए सारे एक बार नोट्स बना के जरूर लिख लो, किसी ना किसी पेपर के आए हुए हैं, जेडे स्पैशली मैं ये कहे ने कि यह किसी ना किसी पेपर से आए हैं तो उन्होंने पक्का कर लियो, ठीक है जी। सो आप अगे चलते हैं। सो अपने को सब तो पहला की आता है एम एस ऑफिस, जिदे एम एस की फुल फॉर्म की है माइक्रो सॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर थोनों पता है कौन है, एक तो बिल गेट्स है, ठीक है जी, जिन्हें शुरू की। दूजा नाम की सीगा पॉल एलन, पॉल एलन आ बिल गेट्स है ही, आह पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में कुछ नहीं है, यह एक सूट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब ये अंडर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनस आदि ने, यह एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनस ने। कि ने एम एस वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट, वन नोट, जी कि 2019 की हो गई सी जी, रिमूव हो गई सी। एम एस एक्सेस, स्काइप, ये तो अलावा पबलिशर, एक्सेस, आउटलुक, ठीक है, वन नोट, ये सारे कि अंडर आते थे एम एस ऑफिस के आते। वो तो अलावा ये कई अलग अलग वर्जनस आए, ऑफिस 1.0, 1.5, 1.6, 3.0, 4.0 या 0 कह लो, कुछ भी कह लो, 4.3, 4.2, 95, 97, 2000 ते एक्सपी। थोनू पता है विंडो एक्सपी सी, उवें ही ऑफिस एक्सपी एक वर्जन आया सी। विंडो 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, सॉरी एक ही ऑफिस के सारे किसी वर्जन से। ये सब तो पहला ये बिल गेट्स द्वारा अनाउंस किया गया कदों, 1 अगस्त 1988 में, कितने कॉमडेक्स लॉस वेगस के, जो विस्टा है वो यदा वर्जन नहीं है। पेपर चेक कदे कदे आता है विंडो विस्टा जरूर सी, पर ऑफिस विस्टा कदे भी नहीं आया। यह एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है ऑफिस 365, जो तुम्हें पता है गूगल का क्लाउड सॉफ्टवेयर की है गूगल ड्राइव, ठीक है, उमें ही यदा क्लाउड सॉफ्टवेयर की है ऑफिस 365, ठीक है जी। सो अगे अपने को है एम एस वर्ड, एम एस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है एक वर्ड प्रोसैसिंग प्रोग्राम है, ता करके की कहा जाता वर्ड प्रोसैसर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। मतलब ये उत्ते आप जो काम करते हैं ये सारा कि उत्ते करते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स के उत्ते करते हैं, शब्दों उत्ते करते हैं, ठीक है जी। फाइल फॉरमैट ऑफ एम एस वर्ड इज डॉक या डॉक एक्स, पेपर चाहता है जिम्मे थोड़े पढ़ा होगा डॉट MP3 गाने लिए होंगे, डॉट MP4 वीडियो लिए होंगे, तो जो आप कोई भी डॉकूमेंट बनाने ये की बनता एम एस वर्ड के डॉकूमेंट, तो वो पिछले डॉट DOC या डॉट DOT DOC एक्स लगता है। देखो 2007 सत्त सत्त तो बाद वाले वर्धन के लगता सी डॉट DOC एक्स लगता सी, 2003 ते 3 तो पहले वाले वर्धन में की लगता सीगा डॉट DOC लगता सी, ये 2003 तक चलिया, तो 2007 तो बाद डॉट DOC एक्स यूज होने लग गया, ठीक है जी। इन एम एस वर्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ इज लैफ्ट, जी डिफॉल्ट अलाइनमेंट देखो अपने को एक लैफ्ट अलाइनमेंट होंगी है, जी आ चीज़ होंगी भी अपना सारा कुछ लैफ्ट तो शुरू होगा, एक राइट अलाइनमेंट होंगी है जी आ होंगी है, एक सेंटर होंगी है जिदा मतलब कि होंगे आ, ठीक है भी विचला सही होना चाहिए, इन्हों आप सेंटर कहने, एक होंगी है जस्टिफाई जो पूरा पूरा होंगे शुरू तो लैके एंड तक पूरा पूरा होंगे, उन्होंने जस्टिफाई कहते हैं, ता करके जो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब आप कोई सैटिंग नहीं की, बाय डिफॉल्ट ही आती है वो क्यों होंगी है लैफ्ट अलाइनमेंट होंगी है। तो डिफॉल्ट नेम की होंगे डॉकूमेंट वन, मान के चलो थोड़े कोई नाम तो सेव करना है, तुमने कोई नाम नहीं दिता तो वह नाम की होगा डॉकूमेंट वन, जिहड़े ऑथर होंगे ने मतलब लिखारी होंगे ने वो यदा ही यूज करते हैं राइटिंग ते एडिटिंग दे लई। इट प्रोवाइड टूल एक की कुछ देता थोनू कंपोज करन लई, एडिट करन लई, फॉरमैटिंग करन लई या प्रिंट करन लई, कोई भी डॉकूमेंट यदा आपां यूज करते हैं। रिज्यूम भी किहदे विच बनते हैं जी अपने को एम एस वर्ड के ही बनते हैं। द डॉकूमेंट कैन बी अ पोस्टर, रिपोर्ट, लैटर, वाउचर, वैब पेज, न्यूज़लैटर, यह सारा कुछ आप बना सकते हैं, ठीक है जी। देर आर टू मैथड टू स्टार्टिंग एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड स्टार्ट करने के दो मैथड होंगे ने, पेपर चाहता है कि स्टार्ट बटन पर जाओ, रन पर जाओ, उस तो बाद विन वर्ड लिखो, पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इनू लिखने लिए आपको कमांड देनी पैंती है विन वर्ड, तो थोड़ा की हो जाएगा ओपन हो जाएगा। दूजा मैथड की है स्टार्ट बटन पर जाओ, आल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उस तो बाद ऑफिस वर्ड का जोड़ा भी वर्जन 2007, 2016, 2019 जोड़ा भी थोड़े को यूज़ कर सकते, ठीक है जी। अगे अपने को है एम एस वर्ड के सब तो जी उपर होंगी वो कि बार होंगी है टाइटल बार होंगी है, अगर थोड़ा दिखा दूंगा मैं, एक की करती है एप्लीकेशन का नाम तो फाइल का नाम शो करती है, ये मिनीमाइज, रीस्टोर, क्लोज बटन होंगे ने, मिनीमाइज आ होंगे रीस्टोर वाला बटन, ठीक है,
आ हुंदा मिनिमाइज वाला, आ हुंदा घट वाला, ये कट्टा लई हुंदा, ये की हुंदा छोटा वड्डा करन लई स्क्रीन नूं, ये की हुंदा जमा थले लैके जाने लई स्क्रीन दे उत्तों गायब करन दे लई। ठीक है, तां तीन बटन ने। उस तों बाद स्टैंडर्ड टूल बार हुंदा, इट डिस्प्ले द सिंबल ऑफ द कॉमन ऑपरेटर ऑपरेशन लाइक ओपन, प्रिंट, सेव, न्यू फाइल, ये सारे किहदे विच हुंदे ने, स्टैंडर्ड टूल बार दे विच। उस तों बाद होम टैब हुंदी है जिहदे विच कट कॉपी पेस्ट हुंदा जी। उस तों बाद जिहड़ा फोंट हुंदा उह की कर सकदे आपां, फोंट दा साइज़, कलर, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा कुछ फोंट नाल आपां कर सकदे आ। उस तो बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बुलेट, नंबरिंग, इंडेंट ये लगा सकते हैं, स्टाइल, एडिटिंग वगैरह आप सारा कुछ किए कर सकते हैं होम टैब के। ठीक है, उस तो बाद इनसर्ट टैब आती है, इनसर्ट के आप पिक्चर पा सकते हैं, क्लिप आर्ट पा सकते हैं, शेप पा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, हैडर, फूटर, ये सारा कुछ आप कि पा सकते हैं इनसर्ट टैब के जाके पा सकते हैं। जो कोई भी चीज़ आप इनसर्ट करनी है इनसर्ट टैब के आऊगी। पेज लेआउट टैब की होंगी, थीम चेंज करनी है, पेज सैटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, ये सारा कुछ आप कि चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट टैब के। रिव्यू टैब के आप स्पैलिंग से ग्रामर मिसटेक चैक कर सकते हैं, थीसिस, ट्रांसलेट, कंपेयर, ये सारा कुछ कि कर सकते हैं रिव्यू टैब से। थोड़ा पेपर चाहिए होगा स्पैलिंग एंड ग्रामर मिसटेक कि टैब के होंगी, तो रिव्यू टैब के होंगी है। व्यू टैब के होगा प्रिंट लेआउट, व्यू फुल स्क्रीन, मैक्रो, स्प्लिट, यह सारा कुछ कि होंगे व्यू टैब के। ये पेपर से प्रिंट लेआउट तो आता है कि आप जो कोई भी बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड कोई कलर है तो वह कि व्यू के नहीं आता, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू के कोई भी बैकग्राउंड से कलर दिता हो नहीं आता। उस तो बाद स्टेटस बार सब तो लास्ट से होंगी, यह करती है तुम कि पेज नंबर से हो, करंट पेज किन्ने ने, किन्ने पेज ने, करंट टैंपलेट कि यूज करो, कॉलम नंबर कि, लाइन नंबर कि, सारा कुछ वो सो अगे अपने को है। वर्क एरिया, वर्क एरिया की होंगे, एक रैक्टेंगुलर एरिया होंगे डॉक्यूमेंट विंडो के जिदे आप करते हैं अपना जोड़ा भी काम करते हैं कि करते हैं आप वर्क एरिया के ही करते हैं। आ देखो आज सारा कुछ लिखा है, टाइटल बार की होंगे सब तो उपर लिखी होंगी, टाइटल बार होंगी है, उस तो बाद आह मीनू बार होंगी है, आह स्टैंडर्ड टूल बार होंगी है जी भी बनी हो गया, देखो फाइल, एडिट, म्यू, जो भी है, आह फॉरमैटिंग टूल बार होंगी है, आह स्क्रॉल बार होंगे ने, इन आप वर्टिकल स्क्रॉल बार कहने, इनू आप होरीजोंटल स्क्रॉल बार कहने। आ सब तो थले की होंगी है स्टेटस बार, पेपर ज्यादा सब तो उत्ते की होंगी है टाइटल बार, सब तो थले की होंगी है स्टेटस बार। आह जिहड़ा व्यू है 2003 का है, ये 2007 का है, ये 2019 का व्यू है। ठीक है, ये सारा कुछ थोड़ा पता होना चाहिए, जिम्मे पहला आह चीज़ आती थी। ठीक है, मीनू बार आता अजक की आता है, यहाँ से रिबन आ जाता है, इनू की कहते हैं रिबन कहते हैं। ठीक है, ये रिबन आ जाता है। क्विक एक्सैस बार का मतलब की है, जो चीज़ सूँ जल्दी जल्दी चाहिए आप इतें रख लें, ये की है, यह अपने को विंडोज़ बटन है। ठीक है, या ऑफिस बटन है। ठीक है, यह अपने कोले ऑफिस बटन है। आ अपने कोले रूलर होंगे ने, आ अपने कोले की है रूलर नहीं, आह इंडेंट है, आ रूलर है। ठीक है जी, सो यह सारा कुछ अपने कोले एक बार इन ध्यान नाल देख लो भी कि चीज़ नूं की कहिंदे ने, पेपर से कई कुछ भी पूछ सकते हैं। अगे अपने कोले एम एस वर्ड दे विच की आ गया, इस तो अलावा एम एस वर्ड तो अलावा होर कि सॉफ्टवेयर ने जिहड़े वर्ड प्रोसैसिंग का काम करते हैं। वर्ड परफेक्ट जिहदा हुण नाम की रखता कोरल वर्ड परफेक्ट, जे थोड़े किसी ने कंप्यूटर यूज़ किया भी कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर आता है इमेज एडिट करने के लिए, तो उही है कोरल वर्ड परफेक्ट, उन्हों का ही है। ईजी वर्ड, नोटपैड, वर्ड स्टार, ये सारे की ने अपने को एम एस वर्ड के अल्टरनेटिव ने। ठीक है, भी ये तो अलावा जो होर कोई यूज़ करना पेपर से कदे कदे आ जाता है। फाइल में ओपन करने के किन्ने मैथड ने, तीन, किमें, फाइल से ओपन जाके कंट्रोल प्लस ओ करके, कंट्रोल प्लस एफ 12 दब के। फाइल में सेव करने के भी तीन मैथड ने, जे मैं कह एम एस वर्ड ओपन करने के किन्ने मैथड ने, दो ने, उस अलावा इन दोनों के तीन तीन मैथड ने, किहड़े-किहड़े, सेव करने का फाइल से जाके सेव कर दो, कंट्रोल प्लस एस करोल या एफ 12 दबो। डिफॉल्ट फॉन्ट कि 2003 के टाइम्स न्यू रोमन, डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब की है भी इतने जी चीज़ आदि कैलीबरी लिखा है ना, तो 2003 के बाय डिफॉल्ट की आता टाइम्स न्यू रोमन, तो फॉन्ट साइज कि 12 पॉइंट, जिम्मे एक ए आ है एक ए आ है, तो फॉन्ट साइज कहते हैं। समालैसट के लार्जैट किन्ने से 8 तो 72, भी समालैसट फोंट साइज कि होंगे 8, वो तो वह कि कर सकते 72, तो जो आपने मैनुअली भरना हो 16 38, मैनुअली आप कि भर सकते थे 16 38 साइज कर सकते थे 1 तो लैके। ठीक है जी, मैक्सीम नंबर ऑफ रोज से कॉलम कि हो सकते हैं 1 से 1, जो आप आह चीज़ बनाने ये अपने को टेबल है ना, तो ये मैक्सीम नंबर रोज के कॉलम किन्ने हो सकते हैं 1 से 1, मैक्सीम नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने बना सकते आप 63, तो ये मैक्सीम नंबर ऑफ कॉलम किन्ने बन गए 63 बन गए, तो मैक्सीम रोज कि बन गई 32767 बन गई, कि बन गई 32767 बन गई। मैक्सीम लाइनस इन ड्रॉप कैप, देखो ड्रॉप कैप की होंगे, जो आप अखबार लिखा तो अखबार थोड़ा लिखा होगा पहला अखर कई बार बड़ा होंगे ना, तो वो बड़ी चीज़ में की कहने आप ड्रॉप कैप, तो वो बड़ी चीज़ मैक्सीम 10 लाइनस से हो सकती है, घट्टो घट 3 लाइन के हो सकती है, सॉरी घट्टो घट 1 लाइन से हो सकती है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनस से होंगी है 3 लाइनस से होंगी है, तो कितने मिलता आपको इनसर्ट मेनू के मिल जाता है। ठीक है, इन्हें ड्रॉप कैप कहते हैं। क्रिएट न्यूज़ पेपर लाइक डॉकूमेंट, न्यूज़ पेपर वर्गा डॉकूमेंट बना लिया आपको कॉलम्स की लड़ पैंती है, आह देखो ये ता ही लगाया
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ, ਦੋ ਕਾਲਮ, ਤਿੰਨ ਕਾਲਮ, ਚਾਰ ਕਾਲਮ, ਪੰਜ ਕਾਲਮ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? 45 ਕਾਲਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਡਰ ਤੇ ਫੁੱਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਟਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਫੁੱਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਂਡ ਨੋਟ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਐਂਡ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫੁੱਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕੀ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 ਇੰਚ। ਮਾਰਜਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ 1-1 ਇੰਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਰਜਿਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16-38 ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ 8 ਤੋਂ 72 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪੇਜ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੇਜ ਮਾਰਜਨ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਾਇੰਡ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਪਲੇਸ ਟੈਕਸਟ। ਮਤਲਬ ਫਾਇੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੋਜ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨਿਊ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਕਾਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਆਟੋ ਕਰੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਟੋ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। RTF ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਚ ਟੈਕਸਟ ਫਾਰਮੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ GIF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ। PDF ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ। ਉਵੇਂ ਹੀ RTF ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਚ ਟੈਕਸਟ ਫਾਰਮੈਟ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਟੈਕਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਲ ਮਰਜ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਲਿਸਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਮਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਮਰਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ MS Word ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਮਰਜ। ਚੇਂਜ ਮਾਰਜਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ 2007 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1-1 ਇੰਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਇੰਚ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸੀ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਟਾਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਸੀ। ਆ ਟਾਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਡ ਰੈਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੂਵ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਵੈਨ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੇ ਵਰਡ ਰੈਪ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਰਡ ਰੈਪ ਔਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਵਰਡ ਰੈਪ ਔਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਿਪ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AVI BMP ਵੇਵ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੌਂਟ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬਲ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਰੋ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ, ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਲੈਸਟ ਵਿਡਥ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 0.5 ਇੰਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਡਥ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 0.5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕਾਲਮ, ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਮ, ਆ ਦੋ ਕਾਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੇਸ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੋ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੋਕ ਐਮ। ਮੈਕਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਕਰੋਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਡੋਕ ਐਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਟ DOCM ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਕਰੋਸ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਕਰੋਸ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ MS ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ 24 ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਡਿਫਾਲਟ ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਟੈਕਸਟ ਇਸ ਕੱਟ ਬਿਟਵੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੂ। ਲੈਟਰ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਲੋਅਰ ਕੇਸ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੇਸ, ਅਪਰ ਕੇਸ, ਕੈਪੀਟਲ, ਈਚ ਵਰਡ ਕੇਸ ਤੇ ਟੌਗਲ ਕੇਸ। ਲੈਟਰ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਅਰ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੇਸ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਰ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਕੈਪੀਟਲ ਈਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰੇਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਟੌਗਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੌਗਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ AMIT, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟੌਗਲ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈਟਮ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਂਡ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਂਡ ਨੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੁੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਇਮੇਜ ਕੈਨ ਬੀ ਵਾਟਰ ਮਾਰਕ, ਵਾਟਰ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ
एंड आप की कह रहे हैं सेंस सेरिफ जिहड़े स्ट्रेट हुंदे ने, पर जे मैं थोड़ा जा ए करके लिखदा ओ की हो गया मेरे कोले एक्सटेंड हो गए एज, एनू आपां सेरिफ कहिंदे आ, ते स्ट्रेट होण तां सेंस सेरिफ कह दिंदे आ। जिहड़े हत्थ नाल लिखे वर्गे लगदे ने हैंड रिटन लगदे ने उहनूं स्क्रिप्ट कहिंदे आ। जे थोड़े किते वी उहदे विच ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई उहनूं ग्रीन लाइन नाल दिखाउंदे आ, कंसेप्चुअल स्पेलिंग एरर आ गया उहनूं ब्लू लाइन नाल दिखाउंदे आ, ठीक है ब्लू लाइन आऊगी इत्थे वी थले ब्लू लाइन बन जाती है, जे स्पेलिंग मिस्टेक आ गई तां उह थले रैड लाइन बन जाती है। ठीक अगे अपने कोल की आ गया शॉर्टकट्स कीज, ठीक है शिफ्ट प्लस एफ सैवन नाल की हुंदा थीसिस टूल, इहदा मतलब की हुंदा सिनोनिम वर्ड। जिवें मान लो उरे मैंने की लिखा कि चैक, चैक नूं जदों मैं चैक नूं सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस एफ सैवन दबूंगा तां इत्थे इहदे सिनोनिम दिखा दूंगा। सिनोनिम दा मतलब भी इहदे वर्गे होर किहो जिहे शब्द ने, उहनूं आपां की कहिंदा थीसिस टूल शिफ्ट प्लस एफ सैवन दे नाल। ते कल्ला एफ सैवन नाल की हुंदा है स्पैलिंग चैक करदा वी स्पैलिंग 'च कोई मिस्टेक तां नहीं हैगी, रिव्यू दे विच हुंदे ने दोन्हीं, ठीक है। कॉपीराइट सिंबल तुहानूं पता आह वाला हुंदा, इह किहदे नाल लगदा है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी नाल, फाइंड ते रिप्लेस लई कंट्रोल प्लस जी हुंदी है, कंट्रोल प्लस जी नाल तुसीं गो टू जाओगे किसी भी अखर के उत्ते जाके, कंट्रोल प्लस एफ हुंदा है एक्चुअल दे विच, कंट्रोल प्लस एफ हुंदा है, कंट्रोल प्लस जी नाल गो टू हुंदा है वी तुसीं किहड़े पेज के उत्ते जाणा है, कंट्रोल प्लस एफ नाल तुसीं की करोगे फाइंड ते रिप्लेस कोई अखर लभ के उहनूं सही करके लिखना। कंट्रोल प्लस टी की हुंदा हैंगिंग इंडेंट, जिहड़ी आह चीज़ तुहानूं दिख रही है इहनूं की कहिंदे आपां हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट पैराग्राफ के विच देण लई हुंदा। स्विच फ्रॉम वन डॉकूमेंट टू अनदर डॉकूमेंट, एक डॉकूमेंट तो दूजे डॉकूमेंट से जाने आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिक्स दबते हैं, जिम्मे आ एक डॉकूमेंट खुलिया आ दूजा, इन शिफ्ट करने लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ सिक्स दबते हैं। इनसर्ट बुलेट पॉइंट, बुलेट की होंगे ने जिम्मे ये मुझे मैं आ चीज लगा दा, ये बुलेट्स होंगे ने ये लाने लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबते हैं। चेंज द टेक्सट केस, अपने कह रहे ना लोअर केस टॉगल केस उन्होंने चेंज करने लिए अपने को शॉर्टकट की होंगी है शिफ्ट प्लस एफ थ्री। कंट्रोल प्लस पेज अप की करता है करसर नूं एक पेज अप ले जाता है, ठीक है जी करसर नूं एक पेज अप ले जाता। ब्रेक द करंट कॉलम, कॉलम नूं कट्टण लई आपां की दबदे आ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, बहुत इंपोर्टेंट कीज़ ने इहनूं याद जरूर कर लियो। डायलॉग बॉक्स नूं ओपन करन दे लई ठीक है कंट्रोल प्लस एफ 12, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन कर दे हुंदा जिहड़ियां फाइल थोड़ियां सेव ने उहनूं ओपन करन दे लई। उहदे बाद कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ कर दे हुंदा फोंट डायलॉग बॉक्स नूं ओपन करन दे लई, फोंट दी सैटिंग करन दे लई। डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू दे लई आपां कंट्रोल प्लस एफ 2 दबदे आ, कंट्रोल प्लस क्यू की दबदे आ पैराग्राफ फॉरमैटिंग नूं रिमूव करन दे लई। पैराग्राफ दे विच जे भी कोई सैटिंग लगी जिवें इंडेंट दी सैटिंग लगी हुई है या किसी भी कॉलम दी सैटिंग लगी हुई है तां उहनूं रिमूव करन लई आपां कंट्रोल प्लस क्यू दबदे आ। उस तों बाद कंट्रोल प्लस एम कादे लई हुंदा लैफ्ट इंडेंट दे लई, जिहड़ा आपां हुणी पिछे करके हटिया इंडेंट हुंदा पैराग्राफ दे मूहरे किन्नी जगह छड्डनी आ उहनूं आपां इंडेंट कहिंदे आ। मैनुअल लाइन ब्रेक करन दे लई आपां शिफ्ट यूज करदे आ, ठीक है आह लाइन चल रही है इहनूं ब्रेक करन लई आपां शिफ्ट प्लस एंटर यूज करदे आ। इत्थे कहिंदा कि नवा पैराग्राफ बनाने लिए आप कला एंटर यूज करते हैं, इतने पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइन में तोड़न लिए आप शिफ्ट प्लस एंटर यूज करते हैं, नवे पैराग्राफ लिए आप एंटर यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबन अपने को हो जाता सबस्क्रिप्ट, जिम्मे मैं तुम्हें कहा लॉग के थले दस, जे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू दब दिए फिर अपने को सुपरस्क्रिप्ट जिम्मे एक्स की स्केयर ठीक है वाई की स्केयर आ उपर दो ला दें आप कहने सुपरस्क्रिप्ट। फोंट साइज में बनाने लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकट, फोंट साइज में घटाने लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकट, शिफ्ट प्लस डिलीट नाल की होता कोई चीज डिलीट हो जाती है तो वह रिसाइकल बिन दे विच नहीं जाती है। बुलेट पॉइंट लिए आप कर चुके कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबन अपने को बुलेट्स आ जाते हैं, आ सारे बुलेट्स ने आ भी बुलेट्स ने, ठीक है जी। जे कोई लास्ट एक्शन परफॉर्म किया दोबारा करने के लिए अपने को एफ 4 दब दें आप, सिंगल लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल प्लस 1, डबल लाइन स्पेस के लिए जिम्मे आ दो लाइन ने ये स्पेस ठीक है। तो डेढ़ लाइन लिए पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि एक तो दो सारे समझ आते हैं, डेढ़ लाइन लिए आप कंट्रोल प्लस 5 यूज करते हैं। गो टू ऑप्शन लिए कंट्रोल प्लस जी ठीक है, उत्ते आप गलत लिखे से कंट्रोल प्लस एफ आऊगा। पैराग्राफ चेंज लिए एंटर, लाइन चेंज लिए शिफ्ट प्लस एंटर ठीक है जी। अगे अपने को है स्पैलिंग ते ग्रामर मिसटेक के लिए अपने को आता एफ 7 आता है। अज की डेट जी डेट से तुम काम कर रहे हो वो अपने को शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, जे जी विंडो से तुम काम कर रहे हो जो बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डबल्यू, जे थोड़े कोई भी प्रोग्राम विंडो तो अलावा कोई म्यूजिक चला रखा कुछ भी चला रखा उन्होंने बंद करना है तो ऑल्ट प्लस एफ 4। आस आल टास्क मिनीमाइज करने के लिए विंडोज की, विंडोज की होंगी ठीक है विंडोज लिखना नहीं है विंडो की प्लस डी, सारे टास्क की हो जाएंगे मिनीमाइज हो जाएंगे। डबल अंडरलाइन आ डबल अंडरलाइन होंगी है ये शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, सेव एज करने के लिए एफ 12 पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेडमार्क सिंबल आ होंदा इहदे लई ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी ठीक है जी, इहनूं एक बार जरूर याद कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। रजिस्टर सिंबल आ होंदा रजिस्टर दा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, आपां नूं सारा कुछ पता रखो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी डेट लई, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन लई,
ठीक है, ए जे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, डबल लाइन ली, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल, ठीक है, तो ऑल्ट शिफ्ट इतने कला ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल, ये की होजूगा अपने को ट्रेडमार्क सिंबल, एक का सिंबल है रजिस्टर का सिंबल, ठीक है जी। उस तो बाद रिमूव राइट करैक्टर, तो यह मतलब की है डिलीट, मतलब कि अपना करसर उरे है, जे मैंने ई नू डिलीट करना तो मैं डी डिलीट दबूंगा, जे मैंने इतने आर नू डिलीट करना तो मैं बैक स्पेस दबूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगा, ठीक है। जे आपने रिमूव लैफ्ट करैक्टर खब्बा पासा करना था, इतने मेरे को करसर है, ई डिलीट करना था मैं बैक स्पेस दबूंगा, थोड़ा पता है। कंट्रोल प्लस डिलीट की करूंगा, डिलीट राइट वर्ड ऑफ द, मान लो उरे मेरे को किया करसर है, ये सारा मैं डिलीट करना था, मैं कंट्रोल प्लस डिलीट दब दूंगा, ठीक है जी। लाइन एंड करसर, जब आप एंड दबांगे तो लाइन के एंड से की बजूगा करसर, जब आप होम दबांगे तो लाइन के शुरुआत के आऊगा, जब आपने पूरे के पूरे फाइल के लास्ट से जाना तो आप कंट्रोल प्लस एंड दबांगे, फाइल की शुरुआत से आना तो कंट्रोल प्लस होम दबांगे, जे एक लाइन उपर जाना तो अप एरो, एक लाइन थले जाना तो डाउन एरो, कॉपी स्पैशल करना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, थोड़ा पता है कंट्रोल प्लस सी नाल कॉपी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी नाल कॉपी स्पैशल होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी नाल पेस्ट स्पैशल, थोड़ा पता है कंट्रोल प्लस वी की होंगे पेस्ट होंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की होगा पेस्ट स्पैशल, सारा फॉरमैटिंग की करने रिमूव करने कंट्रोल प्लस स्पेस बार दब देने, लास्ट के थ्री डी विंडो के लिए आप विंडो प्लस टैप दब दें। ये अपने को एम एस वर्ड के बारे, मैं उम्मीद करता कि थोड़ा यह लैक्चर पसंद आया होगा, इनू वध तो वध अपने दोस्तों नाल शेयर जरूर करो जिन्होंने पटवारी का पेपर भरना या अगे होर पेपर भरने ने, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।